हाई एवरी वन सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कोडिंग इंटरव्यू सीरीज सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरलैपिंग इंटरवल्स सो गिवन अ कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स द टास्क इज टू मर्ज ऑल ऑफ़ द ओवरलैपिंग इंटरवल्स ठीक है तो क्या है कि मतलब हमें ये इंटरवल्स दे रखे और हमें बस ओवरलैपिंग इंटरवल्स को मर्ज करना है लेट से कि इसमें जैसे वन थ्री है और ये टू फोर है तो टू फोर और वन थ्री ओवरलैप हो रहे हैं राइट जैसे टू इज़ लेस देन थ्री मतलब इस रेंज में है टू तो फिर इसका मतलब ये मर्ज के क्या हो जाएगा वन जो भी स्मॉलेस्ट है वो वाला और जो एंडिंग वाली वैल्यू उनमें से मैक्सिमम तो वन कोमा फोर इसका एक बन जाएगा ठीक है तो वन कोमा फ़ोर ये हो गया ठीक है फिर अब ये सिक्स एट और नाइन टेन तो सिक्स एट वन फोर के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा तो सिक्स एट एक अपना अलग हो गया और सिक्स एट नाइन टेन के बीच में भी नहीं आ रहा तो ठीक है वो एक अपना अलग हो गया ठीक है तो ऐसे करके होगा मतलब जो भी ओवरलैप हो रहे हैं उनको मर्ज करना है तो जैसे लेट्स से इसमें ये आंसर है वन फोर सिक्स एड नाइन टाइन ठीक है यही आ गया क्योंकि वन थ्री और टू फोर ओवरलैप हो रहे है बाकी दोनों नहीं हो रहे तो ओवरलैपिंग ये कंडीशन है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लेट से कि यहाँ पर एट और यहाँ पर एट भी होता तो ये भी मतलब फिर इसका आंसर होता सिक्स टेन ठीक है तो ये हमें ये करना है बस तो हमें क्या करना है कि बस हमें फ़ाइनली ये रिटर्न करना है कि जो भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स है उनको रिटर्न करना है ठीक है तो क्या कर सकते हैं मतलब इसका क्या सोल्यूशन होगा कि हम वन बाय वन ऐसे कर सकते हैं कि पहले हमने ये वाला लिया और फिर इसमें बाकी सब में ट्राई करा किसके साथ कौन सा ओवरलैप हो रहा है उनको कंबाइन करके अपने रिजल्ट में पेंड कर दिया ठीक है और फिर नेक्स्ट वाले पे गए जो मतलब फिर हमें कुछ ऐसा भी मार्क करना पड़ सकता है कि अच्छा ये वाला हमने पहले कर लिया था मर्ज तो ठीक है इसको नहीं लेंगे या फिर अगर इसको भी मतलब लाइट से कि हम फिर से टू फोर पर पहुँचे तो टू फोर के साथ फिर वन थ्री आ ही रहा है तो फिर इनको फिर से मर्ज किया पर हमारे रिज़ल्ट में ये वैल्यू पहले से तो हम अपड नहीं करेंगे पर हम पूरे पैसे करके लूप लगा रहे तो बिग बिग ऑफ एन स्केयर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ठीक है तो इसका मतलब क्या तरीका हो सकता है कि मतलब हमारा रिजल्ट थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो जाए ठीक है तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो क्या है कि मतलब हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स मर्ज करें राइट तो ओवरलैप हमें यह चेक करना कि ये वाली वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू इस वाली मतलब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाली मतलब नेक्स्ट वाली जो भी वैल्यू होगी उससे छोटी है मतलब जैसे सिक्स अगर लेस देन इक्वल टू थ्री है जैसे यहाँ पे टू है तो टू लेस देन इक्वल टू थ्री है ठीक है तो फिर इसलिए वो मर्ज हो जाएगा क्योंकि वो इस रेंज पर आ रहा है राइट तो हम क्या कर सकते हैं हमने इसको सोर्ट कर सकते हैं और वो भी फ़र्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग तो अभी अगर हम इसको सोर्ट करें फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा इसका सोर्ट करके तो ये आ जाएगा ठीक है यहाँ पर टू फोर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सिक्स एट ठीक है तो अगर हमने सॉर्ट कर दिया फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो वन टू सिक्स नाइन ठीक है ये हो गया बाकी सेकंड का डजेंट मैटर कि कुछ भी हो ठीक है फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है ठीक है तो फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हम जब भी नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें इतना तो पड़ा पता है ना कि ये अगले की जो भी मतलब नेक्स्ट वाला जो भी ये रे है मतलब लेट्स वाली जो भी इंटरवल है उसकी पहली वैल्यू इसकी पहली से पहली से तो बड़ी ही होगी राइट या फिर इक्वल भी हो सकती है पर मतलब लेस नहीं होगी कि हमने शोट कर दिया तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ चेक करेंगे कि क्या ये इस रेंज में अगर अगर ये वाली इस वैल्यू से छोटी हुई तो जैसे लेट्स से कि इस केस में टू इज लेस देन थ्री तो क्या करेंगे हम एक अपना रिजल्ट बना लेंगे अलग से ठीक है एक पहले टेम्परेरी मतलब करंट करंट में क्या डाल देंगे करंट में ये पहली वैल्यू डाल देंगे वन को मत थ्री ठीक है फिर हम क्या चेक करेंगे कि करंट का वन अगर हमारा करंट जो भी है उसका वन मतलब ये सेकेंड वाली वैल्यू ठीक है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी मतलब लाइट से कि हम एरे पे आई इंडेक्स पे तो एरे ऑफ आई ऑफ ज़ीरो है मतलब करंट का वन ये थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो मतलब ये हो गई मतलब फिर ये ओवरलैप होंगे राइट तो फिर हम क्या करेंगे उस केस में हम अपने करंट में क्या स्टोर कर लेंगे करंट में कर लेंगे कि करंट की फिर वन वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ थ्री कोमा फोर ठीक है तो मैक्सिमम थ्री कोमा फोर क्या फोर मतलब ये हो जाएगा कि करंट करंट ऑफ वन इक्वल टू मैक्स ऑफ जो भी करंट ऑफ वन है वो कोमा जो भी एरे ऑफ आई है हम जिस भी जगह पर उसका वन ठीक है मतलब ये चीज़, ये चीज़ क्लियर हुई ना कि बस फोर मतलब ये भी हो सकता है मतलब हमें ये तो नहीं पता ना थ्री और फोर में से क्या मैक्सा क्या पता है यहाँ पर फाइव होता तो इसकी रेंज वन को फाइव हो जाती तो हम कोई भी ले नहीं सकते तो इन दौरानों से मैक्स पर हमें ये पता है कि पहली वाली वैल्यू तो यही रहेगी क्योंकि हमने सोट कर ही रखा है तो पहले डालने ठीक है और अगर ऐसा नहीं होता है ग्रेटर निकल टू नहीं है तो फिर अपने करंट को मतलब एक रिजल्ट में अपेंड कर देंगे अपने करंट वाले को और फिर ये जैसे ही नई वैल्यू आई तो उससे फिर से इनिशलाइज़ कर देंगे ठीक है तो ये हो गया बस सिंपल सा सोल्यूशन कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रिजल्ट में अपेंड कर दो और फिर नए वाले को इनिशलाइज़ कर दो फिर से ठीक है तो बस ये ये सिंपल सा सॉल्यूशन है इसको कोड कर दे फिर और अच्छे से समझेंगे ठीक है तो क्या कर रहा है सबसे पहले क्या करना है इंटरवल्स को हमें क्या करना है सॉर्ट करना है ठीक है तो इंटरवल्स लैम्डा फंक्शन तो हम सॉर्ट कर लेते क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है ठीक है तो क्या होगा सॉर्टेड ऑफ इंटरवल्स कोमा की हमारी क्या है लैम्डा और किस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है ठीक है फर्स्ट वैल्यू जिसको हो गया वो सॉर्ट हो गया ठीक है तो अब इंटरवल्स में हमारा सॉर्टेड है फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ठीक है और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था अपना एक रिजल्ट डिफाइन कर दिया जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं और एक करंट डिफाइन कर दिया तो करंट में करंट इंटरवल डिफाइन कर दिया ठीक है तो करंट इंटरवल क्या है हमारा जो भी इंटरवल्स है वो जीरो मतलब शुरू वाला डाल दिया और अब ठीक है मतलब ये पहली वाली वैल्यू वन थ्री हमने डाल दी अपने करंट में ठीक है और फोर आई इन रेंज ऑफ वन से शुरू करेंगे क्योंकि पहली वाली तो हमने डाल लिया तो यहाँ से शुरू करेंगे सॉर्टेड है तो ये वाला भी सॉर्टेड है ठीक है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे टू कोमा फोर से कहाँ तक जाएंगे जो भी अपनी लेंथ ऑफ इंटरवल है इंटरवल्स ठीक है तो लास्ट तक चले जाएंगे और अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ इफ करंट ऑफ वन वो ग्रेटर देन इक्वल टू है हमारे इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ जीरो से ठीक है मतलब करंट हमारा थ्री बड़ा है या फिर इक्वल है इस त... टू से तो फिर हम क्या करेंगे तो हमारा करंट अपडेट हो जाएगा करंट ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्स ऑफ करंट ऑफ वन कोमा इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ वन ठीक है मतलब थ्री और फोर में से जो भी है वो आ जाएगा ठीक है तो अब हमारी करंट की वैल्यू हो गई वन अब हमारा करंट में वन ये वन फोर स्टोर हो चुका है ये वाली वैल्यू ठीक है फिर हम सिक्स फिर हमारा आई आगे क्या टू तो मतलब सिक्स एट पे आया आई की वैल्यू टू होगी तो ठीक है तो अभी हमारा आई आगे गया तो अभी चेक करेंगे करंट ऑफ वन तो करंट ऑफ वन एफ फोर क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स है मतलब इंटरवल ऑफ आई ऑफ जीरो तो आई ये वाला है और आई ऑफ जीरो ये वाला हो गया ठीक है सिक्स वैल्यू तो वो नहीं है तो एल्स क्या होगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें अपने रिजल्ट में अपेंड करना होगा वो करंट वाला ठीक है कि ये वाली रेंज इतनी हो गई तो अब हम ये अपनी रेंज स्टोर कर लेंगे तो रिजल्ट डॉट अपेंड करंट और करंट को क्या कर देंगे करंट इक्वल टू इंटरवल्स ऑफ आई मतलब अब हमारा करंट की वैल्यू बन जाएगी सिक्स एट अब हमारे करंट में सिक्स एट हो गए ठीक है फिर वापस हम नाइन टेन पे आ गए और अपने रिजल्ट में अभी वन फॉर अपेंड हो चुका है करंट सिक्स एट हो चुका है अब नाइन टेन पे आ गए तो अभी हम चेक करेंगे करंट ऑफ वन तो करंट ऑफ बने एट तो क्या है एट ग्रेटर ग्रेटर दैन इक्ल टू नाइन है तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं तो एल्स में आ गए तो अभी रिजल्ट में फिर से पेंड हो गया सिक्स एट और अभी हम आगे नाइन अब हमारी नया करंट हो जाएगा नाइन टेन ठीक है तो और अभी लूप खत्म हो गया तो नेक्स्ट आया नहीं तो अब क्या कर देंगे बाहर भी हम एक बार मतलब लास्ट बारी के लिए वो बचेगा ही ठीक है तो रिज़ल्ट में अपना पेंड कर दिया हमने करंट और रिटर्न कर देंगे हम रिज़ल्ट इसको एक बार रन कर लेते हैं और देखते हैं कि ठीक चल रहा है कुछ ठीक है तो ये हमारा आउटपुट मैच हो रहा है इसको सबमिट कर देते तो हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ठीक है ये सक्सेसफुली चली गई तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमने क्या करें? सोट करा शॉर्ट कर एन शॉर्ट की क्या होती है बिग ऑफ एन लॉग एन तो एन लॉग एन हो गई शॉर्ट की फिर उसके बाद क्या बस फोर लूप लगाया पूरे एरे में बाकी ये ये इफ कंडीशन तो ये तो कॉन्स्टेंट यह बस ये फोर लूप लगाया तो प्लस एन कह सकते हैं हम पर एन लोग एन और एन में से बड़ी के एन लॉग एन तो हमारी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही हो गई और स्पेस के लिए हम कह सकते हैं कि स्पेस क्या है मतलब लाइट से कि हर वैल्यू वो उस केस में क्या होगा कि ये सारी वैल्यू मतलब वन थ्री होता फिर यहाँ पे फोर फाइव होता है यहाँ पे सिक्स सेवन यहाँ पे एट नाइन मतलब कोई मर्जी नहीं होता तो जितना भी इंटरवल्स की लेंथ है एन लेट्स से तो वही हो जाती है अपनी बिग ऑफ एन ठीक है और बेस्ट केस में बिग ऑफ वन भी मतलब लाइट से कि सारी ही एक में आ जाती रेंज जैसे ये वाला केस है तो इसमें वन नाइन है तो ये कॉन्स्टेंट ही होगी क्योंकि एक ही वैल्यू है ठीक है और इसके अलावा मतलब तो बस रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं बाकी करंट में तो हमेशा एक इंटरवल ही डाल रहे हैं तो इसकी तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसका कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होगा नहीं राइट तो ये हम कह सकते हैं तो यही है तो सिंपल सा सोल्यूशन है बस तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय हैप्पी कोडिंग